गीता कपूर कोरियोग्राफर हैं। कल उनका जन्मदिन था। गूगल पर जब हमने हिंदी में उनका नाम डाला तो सबसे ऊपर में जो तीन खबरें दिखी उनकी हेडलाइन में इस बात का विशेष फोकस था कि गीता कपूर 48 साल की है और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, और इस पर भी कि उनका नाम किसके साथ जुड़ा था। गीता एक सेलिब्रेटेड कोरियोग्राफर है। बॉलीवुड के कई गानों के डांस उन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं। करियर की शुरुआत में उन्होंने सरोज खान की असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। अगर आपने कुछ कुछ होता है फिल्म देखी है तो उसके तुझे याद न मेरी आई गाने में गीता कपूर भी दिखी थी। वो रियलिटी शोज जज करती हैं, पर उनके जन्मदिन पर उनके काम की बात होने की बजाय उनकी लव लाइफ और शादी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। समाज ने एक उम्र तय कर रखी है ना कि इसके पहले तो शादी कर ही लेनी चाहिए। वो एक उम्र एग्जैक्टली क्या है किसी को नहीं पता। उस उम्र को पार करते ही लड़कियों को अब तक शादी नहीं हुई, करियर के चक्कर में जीवन का सत्यानाश कर डाला। अब तुमसे कौन शादी करेगा? सही समय पर शादी बच्चा हो जाए तो अच्छा रहता है, जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। गीता के केस में भी ऐसी ही बातें लिखी जा रही हैं। TOI को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूं, अगर शादी करती हूं तो छुपाऊंगी नहीं। दूसरा, मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूं, जबकि अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने मेरी माँ को खोया है। मैं सिंदूर को बहुत सपोर्ट करती हूँ। ये तस्वीरें डांस रियलिटी शो सुपर डांस 4 के लेटेस्ट एपिसोड्स की हैं। ये एपिसोड बॉलीवुड की एवरग्रीन हीरोइंस के बारे में था और हमने उन्हीं की तरह कपड़े पहने थे। दुनिया जानती है कि मुझे रेखा जी कितनी पसंद है, इसलिए मैंने उनकी तरह तैयार होने का फैसला लिया था। और जैसा कि वो सिंदूर लगाती है, मैंने भी लगाया। गीता कपूर को आप में से बहुत लोग गीता माँ के नाम से भी जानते होंगे, खासकर के वो लोग जिन्हें डांस में और डांस रियलिटी शोज में दिलचस्पी होगी। लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये मशहूर कोरियोग्राफर गीता माँ कैसे बनी। बताते हैं, दरअसल गीता कपूर तो बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें डांस क्लासेस ज्वाइन करवा दी थी ताकि वो बिजी रह सके। तभी से गीता को जब भी मौका मिलता वो डांस करती। घर पर पलंग पर चढ़कर करती, तो कभी फंक्शंस में करती। सीजन्स विद श्रुति शर्मा को एक इंटरव्यू दिया और गीता ने उस घटना का जिक्र किया था जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। दरअसल गीता जब 14 या 15 साल की थी तब एक फैशन शो में हिस्सा लेने गई थी। वहीं एक डांस प्रोग्राम भी हो रहा था। उनसे पूछा गया कि क्या वो थोड़ा बहुत डांस कर सकती हैं। गीता माँ ने हाँ में जवाब दिया। वहीं एक और लड़की थी जिसका खुद का डांस रूटीन होने वाला था। जब उसने परफॉर्म किया तो गीता के पिता ने उसकी बहुत तारीफ की। गीता बताती हैं, मेरे पापा ने उस लड़की का डांस देखकर कहा कि क्या शानदार परफॉर्मेंस है। उन्होंने कभी भी मेरे लिए ऐसा नहीं कहा था। मैंने सोचा कि अब मुझे भी इसी तरह का डांस करना है। मैंने वो पूरा रूटीन सीख लिया। इधर वो लड़की बीमार पड़ गई। मुझसे पूछा गया कि क्या आप उस लड़की की जगह डांस कर सकती हैं। मैंने हामी भर दी। जब वो फंक्शन हो गया तब उस लड़की का कॉल मुझे आया। उसने मुझे थैंक यू कहा और मेरी तारीफ की। आप जानते हैं कि वो लड़की फराह खान थी। उस फंक्शन के बाद फराह ने मुझे अपने ट्रूप में शामिल कर लिया। गीता बताती है कि फराह ने एक माँ की तरह उनका ख्याल रखा था, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट देते हुए फराह खान को माँ बुलाना शुरू कर दिया। फराह खान और गीता आज भी अच्छे दोस्त हैं। खैर, उस डांस परफॉर्मेंस में शुरू हुआ सफर अभी तक चल रहा है। गीता ने राजीव खंडेलवाल के शो जस्ट बात में बताया था कि उनके क्रू में काफी सारे साउथ इंडियंस थे जिन्होंने प्यार से उन्हें गीता माँ कहना शुरू कर दिया था। जब पहली बार डांस इंडिया डांस गीता ने किया तब टीम के लोगों ने मजाक में गीता को माँ बुलाना शुरू कर दिया। फिर जब डांस इंडिया डांस का पहला ग्रुप आया, उन्होंने देखा कि सारे मेंबर्स गीता माँ पुकारते हैं, तो उन्होंने भी गीता माँ कहना शुरू कर दिया और यहीं से गीता कपूर बन गई गीता माँ। गीता बताती हैं, DID का पहला सीजन जब खत्म हुआ तो मैं एक शॉपिंग मॉल में गई। वहां एक बुजुर्ग आदमी मिले, उनकी गोद में एक बहुत छोटी सी बच्ची थी। वो व्यक्ति मेरे पास आए और पूछा कि आप गीता माँ है ना? मैंने कहा कि हूँ। उन्होंने कहा कि ये बच्ची मेरी पोती है, आप इनके सर पर हाथ रख देंगे? मैं चाहता हूँ कि बड़ी होकर ये भी आपकी तरह बने। और इस घटना ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। गीता आज एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट महिला है। डांस की दुनिया में उनका नाम टॉप लेवल पर है, लेकिन फिर भी उनके बढ़े हुए वजन की वजह से उनसे लोग अजीब तरह के सवाल पूछते हैं। गीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हो। गीता कपूर 5 जुलाई 1973 के दिन जन्मी थी। अपने कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कि उनके जन्म के वक्त
किस तरह का माहौल था। गीता की माँ ने बताया था कि जब वो पैदा हुई थी तब बहुत ज्यादा तूफान आया था, बहुत तेज। ऐसे माहौल में उनका जन्म ऐसा लग रहा था कि तूफान भरी रात में एक एंजल आया हो। अब सवाल, क्यों आज तक सिंगल हैं गीता कपूर? ये सवाल तो आपको कई जगहों पर देखने को मिला होगा। जज्बात में जब गीता ने जवाब दिया उनकी लव लाइफ को लेकर, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे प्यार हुआ है, मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं, अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि मेरा फोकस मेरे काम में बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी भी है। शायद इसी वजह से मैं कभी अगले लेवल तक नहीं ले जा पाई अपने रिश्तों को, लेकिन मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरा मन खुला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई मेरे इंतजार में है जो मुझे समझेगा। तलाश जारी है। माने शादी करना ना करना हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन इसी बात को लेकर उनकी पहचान बना देना कहां तक सही है? ये स्टोरी आपके लिए लिखी है हमारी साथी लाले माने। देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।